व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे खैरियत से हैं। तो आज हम लोग सुबह उठे और बाहर निकल के देखे तो अम्मी चूल्हे पे पूरी बना रहे थे, अम्मी अब्बा मिलकर, और इतनी सारी पूरी बना रहे। तो हम लोग पूछे कि ये क्यों बना रहे, किसके लिए बना रहे इतनी सारी पूरियाँ। तो अम्मी ने बताया कि हम लोग के घर के पास ना एक मदरसा है, तो उधर ना बाटला ख़त्म हो गया, उधर गैस ख़त्म हो गया। हाँ छोटा बड़ा। तो हमारे घर के पास जो मदरसा है, तो मदरसे के किचन का गैस बाटला ख़त्म हो गया। तो कल अम्मी हम लोग बना रहे थे बाहर खाना, तो शायद मौलाना लोग देखे थे कि हम लोग चूल्हा जलाए और बाहर खाना बना रहे। तो उन्होंने सुबह अम्मी लो, इस पे रख दो। ऐसा कैसा बना है? नहीं जमना। हाँ ऐसी पीट रही थी ना। अरे आटा ही कैसा है? मम्मी पीट रही थी। माँ में बेटी में फर्क होता है। छुट्टी कर लेता पता लगा के बस यार कैसे पूरी बात है। छोटी बेल बोटा थी पूरी पूरी नहीं हो। अम्मे कैसे बना रही हैं आप? कितना गीला आटा है, मेरे से तो नहीं बन रहा है। तो बन रहा था। वो बोला ना मम्मी ने बनाई। बस 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 आलू को मोटा मोटा मोटा। हाँ मोटी रहने, जल्दी जल्दी होगी। बस छोड़ बस। अरे ज्यादा बड़ी नहीं करनी थी ना। ये वाली सही है, परफेक्ट है। हो गया बेटा बेटा, ले लो फोन। मुझे लग रहा है लकड़ी में डाल दो अगर लग रहा होगा अंदर। तो व्यूअर्स देखिए मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है धूप में बैठ के। देखिए कैसे पसीने बह रहे हैं। अम्मी सुबह से उठ के मेहनत कर रही थी, अम्मी अब्बा वो मेहनत नहीं दिखा मेरी बेटी को। थोड़ी सी आगे क्या बैठ गई इतनी सी बनाने के लिए, तो पसीना अम्मी को दिखा रही है। ठीक है चलिए, अभी हम मुझे काम है, मैं ज़रा जा रही हूँ बाहर। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं आ गई हूँ। अभी तक के इधर चल रहा है पूरी छन्ना। कितना बाकी है? बस छोड़ छोड़।
लाइफ में सेकंड टाइम मेरी बेटी लकड़ी के चूल्हे पे बनाने बैठी है। पूरी नहीं बनाई हो? बनाई तो हो उधर चूल्हे पे। हाँ क्या नहीं फूली? किसकी नजर लगी? जीनत की। दिमाग दे रहा था मेरी बेटी को तो ले रही नहीं थी। इससे पतले पूरे बिल्डिंग एकदम पप्पड़ बन रहे हो। बोला मोटी बेल, थोड़ी मोटी बेल, तो मोटी बेल ही पास एक तो फिर उसके दिमाग में आया। हाँ क्या हुआ? इधर देखिएगा व्यूअर्स, मेरे बेटे बेटे बैठे हुए हैं। ये अंदर से बैठ के देख रहे हैं। ये फूलेगी। ऐसी बिल्डिंग तो मेरा बेटा सब फूल गया। इतनी साइज की है, ऐसी पूरी रही, एक नंबर पूरी आई। होटल में ऐसी पूरी रही। ये सब नहीं बोले उनको, दे दो जावेद भाई को अभी वो खाना बनाने बोलो। दाल गोश्त 12 बजे तक दाल गोश्त होना। फिर वो काम कब करोगे? वो अभी दोपहर के बाद करो बोले, थोड़ा तो है। तो पूरे पेमेंट देंगे ना पक्का? हाँ नहीं तो बाबा पूरा पेमेंट मिलेगा। अभी कभी चूल्हे पे पूरी बनाए होंगे और रोटी भी बनाए होंगे और खाए भी होंगे या फिर बना रहे होंगे। पूरे चाहिए। नाश्ता हो गया और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। और आज खाना भी नहीं बनाना है क्योंकि अब वहाँ मदरसे में दाल गोश्त बनाने वाले, तो इसलिए बोले कि मैं उधर से ही लेकर आ जाऊँगा, घर पे खाना मत बनाना। तो आज छुट्टी खाना बनाने की, आज आराम करना है। यहाँ भाई बहन का फ्रूटी पार्टी चल रहा है। फ्रूटी पार्टी, मस्ती का पार्टी। भाई का फिनिश हो गया, बहन का भी वैसी ही। बहन हार रही है ये मैच, भाई जीतने वाले हैं ये मैच। अभी देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है कौन हारता है। जल्दी मोहम्मद साहब, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी। तो अब भी जीतने वाली हैं, जल्दी करो।
भाई बहन में कंपटीशन चल रहा है एकदम जोरों शोरों से। फिनिश फिनिश देखो इनका विनेश हो गया, यहाँ आ गया, उनका हाथ में ही दिखाते रह गई और बाहे तो झट्टे से फेंक रही थी। ये चीटिंग है, ये बात नहीं हुई थी, फेंकने वाली बात नहीं हुई थी, ये तो चीटिंग है। ऐसे वाला भी तो है, ऐसे वाला क्या सीधे का मतलब ऐसे करके। अभी वो चेक होगा, वो ऐसे ही आवाज आ रही है नहीं। अरे बस छोटी पापा बन गई है। चेक करो नहीं है। मैं भी तुम्हारा ऐसे चेक करूंगी, अब मैं भी चेक करूंगी। है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। इसका मतलब मामा साहब हार गए और अप्पी जीत गई। मैं हार गया हूँ और मेरी बहन जीत गई। चलिए व्यूअर्स, मामा साहब हार मान चुके हैं और अप्पी जीत चुकी हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। नहीं इसको मत लो, अभी फेंक दिए थे ना, पूरा मट्टी लग गया इसमें, देखो तक की आवाज आ रही। फाइनली ये साड़ी मिल गई, ये बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं, मुझे मिल रही नहीं थी, अब मिल गई है। लेकिन इस पर ये काला दाग लग गया है, पता नहीं कैसा। और तो देखते इसको धोकर, निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते। ये साड़ी अम्मी की है, बहुत पुरानी, अम्मी के शादी में दिया था किसी ने गिफ्ट, तो मैं जब छोटी थी तब इसको देखी थी, तो मैं जब से सोच ली थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इसको एक बार ज़रूर पहनूंगी, जब से मुझे बहुत पसंद है ये। तो अब मुझे पहनना था तो ढूंढ रही थी इसलिए, तो मिल गई। और अभी इसको धोकर देखते हैं इसका दाग निकलता है क्या नहीं निकलता है। क्या हो रहा है ये? हाँ ये क्या हो रहा है? बहुत चींटियाँ आ रही है ना, तो पूरी चिट्टी 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 जमीन के अंदर ही उठती उठती चींटी को भगा रहा हूँ। ऐसे उंगली से मत करो, ये गंदा काम मत करो। कि क्यों नहीं करो? बस अभी अम्मी मेरा बाल बना रहे हैं और मैं अभी ये पहनने वाली हूँ अम्मी की साड़ी। और देखिए मैं कैसी लगती हूँ साड़ी पहन के, फर्स्ट टाइम मैं साड़ी पहनूँगी अम्मी की और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगी और दिखाएंगी और फोटो खींचेंगी। हे व्यूअर्स, मैंने पहन ली हूँ साड़ी और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए वीडियो कैसे दिखाऊँ, और ये देखिए हमारे मोहम्मद साद बैठ के मेकअप कर रहे हैं मेरा देखकर। हाय
व्यूअर्स।